राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है रागों के संक्षिप्त परिचय सहित रागों की स्वर मालिका और स्वर मालिका पर आधारित रचनाओं के आदर्श गायन को प्रस्तुत करती श्रृंखला राग रस बरसे। राग रस बरसे, राग रस बरसे, राग रस बरसे, राग रस बरसे, सगमा दा दा गमा नी दा मगर सा, राग रस बरसे, नी दा मा मा दा नी दा मा मगर सा नी दा, राग रस नमस्कार साथियों, राग रस बरसे इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। संगीत के अध्यापक और संगीत के विद्यार्थी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि संगीत की पाठ्यपुस्तकें संगीत शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। अध्यापक गण पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थियों को लगभग सभी पाठ सिखा सकते हैं, जैसे सरगम क्या है, स्वर किसे कहते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वरों की परिभाषा क्या है, वादी और संवादी स्वरों का अर्थ क्या है, थाट की परिभाषा, राग की परिभाषा, राग की जातियां, आरोह अवरोह, पकड़ का ज्ञान आदि पुस्तकों की सहायता से सीखा जा सकता है। किंतु अध्यापकों को सबसे अधिक कठिनाई आती है रागों की सरगम को सिखाने में। रागों की सरगम का गेय रूप विद्यार्थियों को पुस्तकों के द्वारा सुनाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए रागों की सरगम को गाकर प्रस्तुत करना जरूरी होता है। इसीलिए ये आवश्यकता अनुभव की गई कि रागों की सरगम के आदर्श गेय रूपों को ऑडियो बुक्स यानी कैसेट पर ध्वनि पुस्तकों के रूप में तैयार किया जाए। इन ध्वनि पुस्तकों के निर्माण के दौरान यह भी अनुभव किया गया कि रागों की प्रचलित बंदिशों का कथ्य बहुत ही पुराना है, इसलिए बंदिशों के कथ्य को समसामयिक करने का प्रयास भी किया गया है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा रचित रागों की स्वर मालिकाओं पर आधारित बंदिशों अर्थात रचनाओं का कथ्य देशभक्ति, पर्यावरण जागरण, नैतिक शिक्षा, सामाजिक ज्ञान आदि विषयों से अलंकृत किया गया है। संगीत के अध्यापकों और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे शिक्षण के दौरान इन ध्वनि पुस्तकों का उपयोग सहायक सामग्री के रूप में करें। अब आइए हम सब शामिल हो जाएं इस संगीतमय यात्रा में और सुने श्रृंखला राग रस बरसे। राग रस बरसे, राग रस बरसे, राग रामकली। राग रामकली की उत्पत्ति भैरव थाट से हुई है। इस राग में ऋषभ और धैवत यानी रे और ध कोमल
दोनों मध्यम यानी शुद्ध म और तीव्र म तथा दोनों निषाद यानी शुद्ध नि और कोमल नि प्रयोग किए जाते हैं। इस राग के आरोह में ऋषभ यानी रे वर्जित स्वर है तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में छह और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति शाड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर पंचम यानी प है और संवादी स्वर षडज यानी स है। इसका गायन समय प्रातःकाल है। राग रामकली के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह। सा गा और अब प्रस्तुत है अवरोह। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। मा प ध नि ध प ग म र स। अब प्रस्तुत है राग रामकली की स्वरमालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई। मानी धा पा मा पा धा पा मा गा मा ग रे रे सा सा। मानी अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। प प प प द द नि नि सा 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 नि नि सा। प प प प द द नि नि सा 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 नि नि सा। नि सा रे सा ध नि ध प मा प ध प ग म रि सा। नि सा रे सा ध नि ध प मा प ध प ग म रि सा। मा नि ध प मा प ध प मा ग म ग रे रे सा सा। मा नि ध प मा प ध प मा ग म ग रे रे सा सा। अभी आपने सुनी राग रामकली की स्वर मालिका। अब इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना सुनिए। बोल है, भोर भई घर आते दिनकर। पहले प्रस्तुत है
इसकी स्थाई। भोर भई अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। जगमग जगमग चमकी धरती, जगमग जगमग चमकी धरती, नभ का रूप सजाते दिन कर, नभ का रूप सजाते दिन कर। भोर भई घर आते दिन कर, भोर भई घर आते दिन कर। अभी आपने सुनी राग रामकली की स्वर मालिका, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना। राग रस बरसे